मुरादाबाद में एक चावल कारोबारी ने जबलपुर में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपने ही साथ लूट कर नाटक रच डाला। मुरादाबाद पुलिस ने 36 घंटे में ही इस फर्जी लूट का खुलासा कर कारोबारी के पास से 1,26,000 रुपए बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। थाने में खड़ा ये युवक शुएब चावल कारोबारी है। शुएब के मुताबिक उसके साथ ऑटो में सवार बदमाशों ने नशा देकर 3,00,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने शुएब की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी बालेंद्र यादव ने लूट की घटना को संदिग्ध मानते हुए पीड़ित की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस को यहां कामयाबी मिली। शुएब ने अपने साथ हुई घटना के अगले दिन ही दिल्ली पहुंच गया। पुलिस भी शुएब के पीछे पीछे दिल्ली पहुंच गई। यहां शुएब ने कुछ खरीदारी की, उसके बाद वो वापस मुरादाबाद पहुंच गया। यहां पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो शुएब ने पुलिस को सब सच सच बता दिया। शुएब का प्रेम छत्तीसगढ़ के जबलपुर की एक लड़की के साथ चल रहा है। शुएब ने अपनी प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए अपने साथ ही लूट की फर्जी घटना को अंजाम दे दिया। शुएब ने अपने परिवार वालों के सवालों से बचने के लिए 3 अगस्त को 1,30,000 रुपए अपने ही दुकान में रखे चावल के बोरे में छुपा दिए। उसके बाद शुएब ने अपने साथ बदमाशों द्वारा नशा देकर 3,00,000 रुपए लूटने का नाटक रच डाला। पुलिस ने 36 घंटे में ही इस फर्जी लूट का खुलासा कर दिया। क्या मामला था चावल व्यापारी का? 2 दिन पहले जो लूट, ये 3 तारीख को रामपुर टांडा के रहने वाले चावल व्यापारी है जिसकी दुकान कटरा में है। उन्होंने एक उनके साथ जो आपराधिक घटना की एक शिकायत लिखाई थी तो उनको किसी ने सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनके पास जो 3,00,000 रुपए थे वो लेके आदमी फरार हो गए ऑटो रिक्शा से, जिसमें 2 व्यक्ति उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें आज उन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा ये झूठी शिकायत की गई थी। उनसे पूछताछ में पता चला है कि उस दिन ये लगभग 2-2.5 बजे अपनी दुकान से चले और उनके जो गले में लगभग 1,30,000 रुपये थे उन्होंने वहीं पे अपने दुकान में ही चावल को कट्टों में छुपा दिए थे और फिर यहाँ पर मुगलपुरा ई रिक्शा से जामा मस्जिद तक आए। फिर यहाँ से उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा करके पुल पार करके एक होटल है वहीं पे ही उतर गए। कुछ देर वहाँ पे जाके झाड़ियों में लेटे रहे। उन्होंने सोचा कि कोई आदमी इनको देख लेगा, उसके बाद अपनी बात बताएंगे जो उन्होंने कहानी बताई थी। किसी ने इनको देखा नहीं, फिर ये खुद ही आधे घंटे बाद ऊपर चढ़ के आए। वहाँ पे जो आने जाने वाले व्यक्तियों थे उनसे बात करके उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अपने परिवार को फोन किया, 112 को फोन किया। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर अगले दिन यानी कि 4 तारीख को उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। ये अपने दुकान से जो उन्होंने 1,30,000 जो उन्होंने छुपा रखे थे अपने चावल के कट्टों के बीच में वो लेके वो चले गए। यहाँ बस स्टैंड पे गए और वहाँ से दिल्ली के लिए चले गए। वहाँ पर इन्होंने एक नया सिम और एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा। फिर इनकी एक जो गर्लफ्रेंड है जबलपुर में रहती है उनसे मिलने जाना था इन्हें, उनसे बातचीत करी तो उसकी इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको आने से मना कर दी और फिर ये वापस यहाँ मुरादाबाद के लिए रवाना हुए, जहाँ बीच में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने के लिए उन्होंने ये पूरी घटना कारित करी थी। उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में शादी की बात हो रही थी, इसलिए भी इनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था ये सब कार्रवाई करने का। और ये भी वहाँ पे जाके शादी की बात करते या आगे की वहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने का। सर इनके पास से क्या क्या चीज़ बरामद हुई? इनके पास से कुल 1,26,650 रुपये बरामद हुए हैं। जो इन्होंने 3,00,000 अपनी तहरीर में लिखाए थे वो ले थे, इन्होंने स्वीकार किया है। कुल 1,30,000 रुपये लेके चले थे, उनमें से उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें खरीदी, उनमें थोड़ा खर्च हो गया। 1,26,650 रुपये बरामद हुए। साथ ही इनका एक मोबाइल रियलमी फ़ोन भी बरामद हुआ है, जिन्होंने उस समय अपनी झाड़ियों में वहाँ पर फेंक दिया था, जो इनकी ही निशानदेही पर बरामद हुआ है। साथ में जो एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है कीपैड वाला, वो भी इनके पास से बरामद हुआ। क्या इनके ऊपर भी किस तरह का कोई मुकदमा लिखा गया? हाँ, इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इन्होंने धोखाधड़ी करी और पैसों को लेके उसके जो धाराएं बनती है उनके अंतर्गत उसके मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया। नहीं, इनसे पहले का कोई इसका आपराधिक इतिहास जानकारी में नहीं आया, पता करा जा रहा है।